दोस्तों अभी अभी एंड हुआ ISL का 39वां मुकाबला जो कि ईस्ट बंगाल FC और चेन्नई FC के बीच तिलक मैदान के स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों ये मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ, जहां पर दो गोल हमें देखने को मिले ईस्ट बंगाल के स्टार प्लेयर स्टीनमैन की तरफ से। वहीं इसके अलावा दो गोल हमें देखने को मिले लिलियन चांगटे और अली के द्वारा चेन्नई FC की तरफ से रिस्पेक्टिवली। 13वें मिनट में पहला गोल देखने को मिला चेन्नई FC की तरफ से, और इसके बाद दूसरा गोल जो कि इक्वलाइजर था ईस्ट बंगाल की तरफ से स्टीनमैन ने 59th मिनट में करा, और फिर जो है अली के द्वारा दूसरा गोल देखने को मिला चेन्नई FC की तरफ से, और फिर 68 मिनट में स्टीनमैन ने एक और गोल करके इस मुकाबले को 2-2 की बराबरी पर ला दी। और फाइनल विसल आते आते इस मुकाबले की समाप्ति हो गई, जहां पर ईस्ट बंगाल की टीम ने चेन्नई FC के साथ एक ड्रॉ खेला। और इस ड्रॉ के बाद अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो चेन्नई पहुंच गए 7th पोजीशन पर और ईस्ट बंगाल है 10th पोजीशन पर।